तो फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बता दिए कि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं m1 m2 x1 y1 x2 y2, तो एक सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मैंने करवा दिया। और अगर पार्टिकल्स n तक हो तो यही रिजल्ट n तक एक्सटेंड किए जा सकते हैं, x में भी और y में भी, ये भी हमने कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इस पूरे सेंटर ऑफ मास में दो ही थ्योरी के टॉपिक हैं एनसीईआरटी में, और कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल खूब है इसके, इसमें कोई शक नहीं। और वो पहला टॉपिक यही है, इस टॉपिक में मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि जो मैंने सेंटर ऑफ मास के आपको फॉर्मूला डराइव करवाए वो कैसे डराइव करवाए। तो आप ध्यान से देखें, इधर इमेजिन करें आपने यहाँ पर m1 और m2 दो पार्टिकल लिए, m1 m2 पार्टिकल का ये पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है और m2 का r2 वेक्टर है, और m1 m2 का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होता होगा, जहाँ भी होता होगा उसका पोजीशन वेक्टर r सेंटर ऑफ मास वेक्टर है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब इमेजिन करें कि दो पार्टिकल्स, वैसे तो सिस्टम में बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, पर मैंने दो पॉइंट मासेस लिए, इन दो पार्टिकल्स का ही सेंटर ऑफ मास मैं निकालना चाहता हूँ। आप मुझे एक चीज़ का एग्जांपल दें कि अगर दो पार्टिकल्स मेरे हाथ में हैं जिनका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है, और मैं इन्हें फोर्स लगा के मूव करवाता हूँ, अगर मैं इन पार्टिकल को मूव करवाऊंगा तो इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास भी साथ साथ क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब ये सोचो, आप सभी स्टूडेंट का सेंटर ऑफ मास कैमरे के ऊपर है, मान लो इस पॉइंट पर है, अब सभी स्टूडेंट ने भागना शुरू कर दिया ग्राउंड में, सेंटर ऑफ मास यहाँ थोड़ा रह गया, मतलब तुम चले गए, सेंटर ऑफ मास यहीं छूट गया, तुम्हारे बीच में साथ साथ इमेजिनरी मूव करेगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो इमेजिन करो, ये यही केस करने जा रहा हूँ मैं, वन और टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वन पार्टिकल पे मैंने बाहर से फोर्स लगाई, वानी वानी का मतलब वन के ऊपर फोर्स लगी, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कौन है, हम, हमने फोर्स लगाई वानी, इससे ये मूव करेगा। और इसके ऊपर मैंने फोर्स क्या लगाई, टू ई, टू पार्टिकल पे फोर्स लगी एक्सटर्नल, तो इससे टू पार्टिकल भी मूव करेगा। तो वन पार्टिकल मूव करेगा, टू पार्टिकल मूव करेगा, और इनके बीच में एक्स इंटरनल फोर्सेस भी होती हैं, जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो आपस में कैंसिल करती हैं, वो मूवमेंट नहीं क्रिएट कर सकती बॉडीज़ में। इनके बीच में जो भी फोर्सेस हैं इंटरनल, वो आपस में कैंसिल करती हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, और ये बॉडी को मूव नहीं करवा सकती, पक्की बात है। मूव कौन करवाएंगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे। तो मैंने नेट फोर्स क्या लगाई दोनों पार्टिकल पे, जिससे दोनों पार्टिकल मूव करें, वन ई और टू ई का वेक्टर सम। अब मुझे पता है कि एफ क्या होता है, डी पी बाई डी टी, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम पी वन है और सेकेंड का पी टू है, तो डी बाई डी टी ऑफ पी वन, यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ पी टू, ये क्या आ गया, नेट फोर्स की वैल्यू आ गई। ध्यान आ गया, नेट फोर्स आ गया। अब एक काम करो, पी वन का मतलब क्या होता है, एम वन वी वन, पी टू का मतलब क्या होता है, एम टू वी टू, तो इसको लिखो एम वन वी वन, इसको लिखो एम टू वी टू, डी बाई डी टी कॉमन निकाल लो, सीधा ये स्टेप देखो इसके बाद, डी बाई डी टी कॉमन, पी वन की जगह एम वन वी वन, पी टू की जगह एम टू वी टू, तो ये क्या आ गया, ये नेट फोर्स आ गई पूरे सिस्टम के ऊपर क्या लगेगी, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ एम वन वी वन, डी बाई डी टी ऑफ एम टू वी टू वेक्टर। कोई डाउट है इसमें, ये स्टेप समझ में आ गया? अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर इसके अंदर तो दो पार्टिकल्स हैं, ऐसे 2000 पार्टिकल होंगे। मैंने कहा हाँ, 2000 बार लिखूंगा इक्वेशन, एम वन वी वन, एम टू वी टू, एम थ्री वी थ्री, एम फोर वी फोर, एम फाइव वी फाइव, 2000 बार। वो कहता है जी अगर 2 लाख हुए, मैंने कहा फिर हो सकता है मैं 4-5 दिन लगा दूँ 2 लाख काउंटिंग करने में। वो कहता है जी क्या आप तो 2 करोड़ हों, क्योंकि पार्टिकल तो दुनिया में 2 करोड़ कुछ भी हो सकते हैं, फिर मैं पूरी उम्र यहीं खड़ा रहूँगा और ये फोर्स निकालता रहूँगा, मैं फोर्स निकाल नहीं पाऊंगा, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। फिर कहता तरीका क्या है, फिर एक ही तरीका निकाला गया, अगर इसमें करोड़ों पार्टिकल्स हैं कौन निकालेगा टोटल फोर्स, इसलिए ही ये मेथड निकाला गया कि इतने पार्टिकल, ये तो चलो दो हैं, दो तो निकाल रहे हैं, पर अगर 2 करोड़ होते तो कौन निकालता टोटल फोर्स, हम नहीं निकाल पाते। तो इसकी जगह हमने क्या किया, हमने कहा कि हम एम वन एम टू एम थ्री एम फोर पर काम ही नहीं करेंगे, हम ये मानते हैं कि टोटल मास एम है, बस टोटल मास ही एम है, और वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी सेंटर ऑफ मास। तो तुम इतनी बड़ी फोर्स 2 लाख बार या 2 करोड़ बार फोर्स निकालने की बजाय तुम एक ही स्टेप में फोर्स निकाल दो, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पर तुम अगर एक ही शॉट में फोर्स निकालना चाहते हो पूरे सिस्टम की, चाहे उसमें 2 लाख पार्टिकल हैं, तो तुम्हें मास टोटल लेना पड़ेगा, और वेलोसिटी वी वन वी टू नहीं लेनी, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की लेनी पड़ेगी। और अगर ये कॉन्सेप्ट ट्रू है, सेंटर ऑफ मास से अगर कैलकुलेशन सही आती हैं,
तो इससे सॉल्व करना और इससे सॉल्व करना एक रिजल्ट ही मिलेगा। तो एक काम करो, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तो ट्रू है, तो इसे और इसे इक्वेट कर दो। तो मतलब पहले तरीके लंबे तरीके से फोर्स निकाली, एक छोटे तरीके से फोर्स निकाली, दोनों को इक्वेट कर दिया। d/dt हटा दो तो मास को नीचे ले जाओ, टोटल मास क्या है m1+m2, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लो। तो अगर मान लो एक पार्टिकल आज के बाद मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ v1 वेक्टर, दूसरा मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ v2 वेक्टर, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ v सेंटर ऑफ मास वेक्टर, पहला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला रजिस्टर मेंटेन करना है, तो फॉर्मूला रजिस्टर में इसकी एंट्री कर लेनी है या हाईलाइट कर लो इसमें। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर अपॉन m1+m2। तो न्यूमेरिकल में गिवन होगा आपको, m1 m2 गिवन होंगे, v1 वेक्टर v2 वेक्टर गिवन होगा, और पूछेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो, इस फॉर्मूले से आएगी। ठीक, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्लियर है। अब नेक्स्ट है, क्योंकि हमने ये तो प्रूव नहीं करना था, हमने तो डिस्प्लेसमेंट और एक्स और वाई प्रूव करना है। तो एक काम करेंगे हम, यहाँ पर v1 वेक्टर को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, d/dt ऑफ r1 वेक्टर, फर्स्ट पार्टिकल के d/dt ऑफ r1 वेक्टर, और v2 वेक्टर की जगह d/dt ऑफ r2 वेक्टर। तो v1 की जगह dr/dt, v2 की जगह d/dt ऑफ r2 वेक्टर। तो ये इसकी जगह क्या लिखेंगे, d/dt ऑफ r सेंटर ऑफ मास वेक्टर, सही है। तो आपने वेलोसिटी को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास ये इक्वेशन है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, ध्यान आगे इस m1 को इसके ब्रैकेट में ले जाऊंगा, तो क्या बनेगा, d/dt ऑफ m1 r1 वेक्टर प्लस d/dt ऑफ m2 r2 वेक्टर, और d/dt को कॉमन निकाल लूंगा, तो d/dt कॉमन आया तो क्या बना, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ऐसे है। तो ये स्टेप सबको क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। और लास्ट में d/dt फिर से हटा दूंगा, दोनों तरफ से हटा दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, r सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था। तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, r सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। ये स्टेप क्लियर है, तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था एकदम ट्रू है। और लेकिन अभी रुकना नहीं है, r1 वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, तो अब r1 वेक्टर को वेक्टर में कैसे लिखेंगे, xi+yj, और x1i+y1j, और r2 वेक्टर को क्या लिखेंगे, x2i+y2j, और r सेंटर ऑफ मास वेक्टर को क्या लिखेंगे, x सेंटर ऑफ मास i+y सेंटर ऑफ मास j। आप एक काम करें, इन सभी वैल्यूज को यहाँ यहाँ और यहाँ पुट करें, r1 वेक्टर की जगह ये पूरी वैल्यू, r2 वेक्टर की जगह पूरी वैल्यू, r सेंटर ऑफ मास की जगह पूरी वैल्यू, तो ये टर्म आ गई, सही है। अब इसके अंदर अगर हम इसे ओपन करें, हम इसे ओपन कर रहे हैं, इसे ओपन करेंगे तो i कैप वाली टर्म्स कॉमन आएगी, तो क्या बचेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ऐसी m1 j कैप वाली टर्म्स कॉमन आएगी, तो m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2 j कैप। इसे सिंप्लीफाई कर लिया, i कैप वाली टर्म एक तरफ, j कैप वाली टर्म एक तरफ। अब इसमें लास्ट क्या किया, और इसकी जगह क्या लिख लिया, x सेंटर ऑफ मास i कैप बाय सेंटर ऑफ मास j कैप। इसका आई का कोफिशियंट एक्स सेंटर ऑफ मास है, इसका आई का कोफिशियंट ये रहा, आई को आई के कोफिशियंट के साथ इक्वेट कर दिया, ये टर्म आ गई, और जे का कोफिशियंट जे के साथ किया तो ये टर्म आ गई। यहाँ तक आपको प्रूफ करना है, अगर आपके स्कूल में आ जाए तो, कंपटीशन में तो नहीं आता, इसकी एप्लीकेशन आएगी, बट समझ में आ रहा है कि ये आर वेक्टर एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन कैसे बनेगी। मार्क कर लो इसमें से, यहीं से करनी है आपने इसे।